वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर बयान। पाकिस्तान को मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि मशरक़ वुस्ता में मासूम जानों के ज़िया पर भी गहरी तशवीश है। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। इसराइली काबिज़ अफवाज के तशद्दुद और जबर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हैं। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा खसूसी ख़ारिजा अमूर अनस मलिक हमारे साथ हैं। जी अनस, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। मशरक़ वुस्ता में मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। जलील अब्बास जिलानी ने अपने बयान में यह कहा है, फ़लस्तीनियों के साथ एकजहती के तौर पर खड़े हैं। इसराइली काबिज़ अफवाज के तशद्दुद और जबर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा भी करते हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने यह मुतालबा किया है। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिले अमल और खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम जरूरी है। आलमी बरादरी को तनाज़ात के खात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए। और साथ ही में वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने यह भी कहा है कि आलमी बरादरी मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। जी शुक्रिया।